गाइस वापस से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई गेम प्ले वीडियो में पीएस गेम्स टक की। आई नो गाइस जो दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं हो पाई थी, है ना गाइस, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। इसलिए मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था आपके लिए। नहीं गाइस कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और हम लोग आ गए। अब हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे और हर रोज लगातार नए नए कंटेंट के साथ वीडियो पेलते रहेंगे। अरे ओ पेलम पिलाई, इधर आ जाओ चुपचाप से, बता दूंगा बेलन पिलाई क्या बोलता रहता है गाइस। तो पता नहीं कहाँ से देहाती लैंग्वेज सीख गया है। गाँव गया था ट्रेवर भैया के, वहाँ पे थोड़ी सी लेडीज लोगों ने सिखा दिया। हाँ लेडीज मैम ने सिखा दिया। लेडीज मैम, अरे भाई ये अलग ही है। ओके सो गाइस, आज बुगाड़ी बोलाइट और अपनी जी वैगन और अपनी ये निकाल रखी है। हाँ निकाल रखी है, तो तू क्या बोल रहा है? अरे वाह अचंभा असंभव सा क्या बोलूँ मैं। अरे बौखला गए हो तो कुछ भी निकलता है मुँह से। बताओ क्या हुआ वैसे। अबे शिनचैन तुम लोग एक साथ दिख रहे हो तो भाई सबसे बड़ा अचंभा तो यही हुआ ना। क्यों हम में क्या कांटे लगे हैं यार? मैंने ये बोला। अरे यार मैं बस पूछ रहा हूँ। अबे चल पे, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके सो गाइस, अरे ये बताओ आज प्लान क्या है? हाँ भाई तब ओके सो गाइस का कोई मतलब नहीं होता। आज प्लान के बारे में बता, प्लान के बारे में, व्हाट द प्लान फॉर टुडे। हाँ फ्रैंकली बता। अरे हाँ बताओ फ्रैंकली भैया, आप रोना तू कैसे शांत है? हाँ मैं, सब लोग आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं तो मैं क्यों करने लगा? मैं भी टांग खिंचाई करने लग गया तो आपका साथ कौन रहेगा? हाँ ब्रूनो सही बात है। ओए मेरी टांग खिंचाई कोई नहीं कर रहा, तू बकवास कम कर ब्रूनो। ब्रूनो भी गाइस यार सेवेज होते जा रहा, पागल इंसान। वैसे यार आज मैंने आप लोगों को और इन लोगों को भी नहीं बताया कि आज होने क्या वाला है। तो आज होने वाला एक बहुत ही खतरनाक वाला एपिसोड, क्योंकि गाइस खतरनाक इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने आज लॉस सैंटोस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ सुनी है, अनसुनी भयानक डरावनी घटना, जो कि यार गाइस आप लोगों के भी रोंगटे खड़े कर देगी। पर ऐसी कौन सी जगह है फ्रैंकलिन भैया जो रोंगटे खड़े कर दे? हाँ बताता हूँ। अरे फ्रैंकलिन पहले तो तू अपनी आवाज़ ठीक कर यार। हाँ करता हूँ। फ्रैंकलिन बता, हमें जाना है एक ऐसी जगह पे। आज का एपिसोड गाइस, फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है, और अगर आप लोग एंड तक बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आज का एपिसोड ऐसा भयानक होने के वाला है। अरे हाँ भाई साहब, अब आप सब ऐसा भयानक एपिसोड, तू साले डरा रहा मुझे लग रहा है, तू कहीं ले जाएगा मैं बहुत डरावनी जगह पे। हाँ ऐसे ही कुछ समझ ले। अब आप सब वहाँ पे ऐसा है क्या? एक ऐसी आत्मा फ्रैंकली भैया मैं आपका खात्मा कर दूंगा, ऐसी हरकतें मत करो। कैसी बात बोल रहे हो? चुपचाप से चलो मेरे साथ बैठ करके फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन अब बता, तुम सब लोग बैठ करके चलो। ऐसा लगा कि यार आपके अंदर ही आत्मा घुसी हुई है और आप अपने आप को ही फ्रैंकलिन बोल रहे हो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बताओ ना, जल्दी से जी वैगन में बैठो और चलो जल्दी से। तुम्हें बताता हूँ मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। अरे यार ये तो मरवाएगो यार, ये छोरो मरवाएगो। सर बी केयरफुल। अरे यार एक तो डरावनी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में फ्रैंकलिन भैया एक टाइम को सेफ भी फील करते हैं। फ्रैंकलिन भाई आप ऐसी जगह ले जा रहे हो, आपको यार डर नहीं लगता? साले भगवान से तो डरो। ओए बकवास कम कर, भगवान से क्यों डरूं मैं? अरे भगवान से मतलब उस वजह से डरो ना। अरे हाँ मतलब मैं भगवान से डरता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये काम करने में क्यों डरूं भाई? भगवान हमारी रक्षा करेंगे यार। अरे यार क्या? अरे भाई ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा शिनचैन, तू ध्यान रखियो। अरे किस चीज़ में? जब वो आत्मा हमें लपक लेगी, पटक लेगी, हटक लेगी, फिर जा करके वो आप भगवान जी रक्षा करेंगे? अरे भगवान जी रक्षा करेंगे यार, तू चिंता मत कर। अरे यार ऊपर वाले आप ही संभालो, क्योंकि नीचे वालों ने तो जीना हराम कर दिया हमारा। अरे नीचे वाला कौन? अरे आप लोग और कौन? अरे हाँ बात तो सही है तुम लोगों का। फ्रैंकलिन तू पागल हो रहा है। माइकल भाई आप पागल हो रहे हो, मैं नहीं हो रहा हूँ। ये आप कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो? अरे भाई ट्रेवर भाई पीछे, माइकल भाई कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन मैं पीछे बैठा हूँ। अरे यार माइकल भाई पागल हो गए। फ्रैंकलिन यार मैं गांव से अभी आया हूँ और तू यार दिमाग ख़राब कर रहा है। तेरी भी तबीयत अभी ठीक हुई है और तू यार ऐसी हरकतें कर रहा है। भाई ऐसी जगह पे मत जा भाई, फिर से तबीयत ख़राब हो जाती है। अरे भाई मैं जाऊँगा, कोई रोक सके तो रोक ले, अब आप सब जैसे ही आए ना फ्रैंकलिन ऐसी डरावनी जगह, अब तू मानेगा तो है नहीं, हमें ले जा के रहेगा। तो भाई साहब जैसे ही डरावनी जगह आया बेटे हमें पहले ही बता दियो साढ़े, अगर नीचे नहीं हुआ ना तो भाई मेरी ऐसी हो जाएगी। हम भी सन रूफ से नीचे नहीं होंगे, हम भी नीचे उतर जाएंगे। हाँ भाई साहब और नहीं तो क्या, हम भी नीचे हो जाएंगे भाई साहब। ओह तबे यार डरो मत भाई। भाई साहब डरे ना तो क्या करे, और भाई रास्ता तो तुम्हें पता खुद ही चल जाएगा। मतलब कैसे? अबे भाई रास्ता तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि अपने आप ही रोड सुनसान हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और काला साया, उस पर चांद। ओ देख
फ्रैंकलिन भैया अभी से ही आसमान में चंदा मामा फुल फुल होल दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल रोटी की तरह। और क्या शिनचैन, पर ये तो सूरज देवता का टाइम है, सूरज देवता कितने सही। अरे सूरज देवता, अरे सूरज भैया भी इधर हैं। अगर जब सूरज देवता इधर हैं तो यार चंदा मामा को दिखने का क्या परमिशन। अरे भाई रात के टाइम ये थोड़ी चमकते हैं, अब तो फिर इनके टाइम पे ये क्यों चमक रहे हैं। अबे शिनचैन पता नहीं यार, भाई सूरज देवता के टाइम पे भाई सब चंदा मामा कैसे आ गए। अरे आज तो बहुत खतरनाक होने वाला है। सर जी आज तुम्हें पता नहीं है, लॉस सेंटोस पे एक बहुत ही गंदा साया है। खूनी हाईवे से भी गंदा साया क्या? हाँ सर जी, खूनी हाईवे से तो बहुत ही ज़्यादा गंदा। खूनी हाईवे तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हैं, खूनी हाईवे कुछ भी नहीं है? फ्रैंकलिन भैया पी एस एस गेमर ने खूनी हाईवे की कितना पीछा छुड़ाया था बड़ी मुश्किल से, और फ्रैंकलिन भैया ये तो बोल रहे हैं कि यार वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ शिनचैन और भी ज़्यादा खतरनाक है। अबे भाई मैं खुद डर रहा हूँ अब तो। अब आप डरने लगे तो यार हमारा क्या होगा। फ्रैंकलिन भैया अब नहीं जाना। अबे शिनचैन एक बार जाने में क्या जाता है। अरे फ्रैंकलिन भैया मारेंगे को, मैं साढ़े तेरा ना मुंह पे मारूंगी यार, बहुत गंदे तरीके से। फ्रैंकलिन यार ऐसी हरकत ना किया कर। अगर फ्रैंकलिन, ओए यार ये हमारी कौन सी लैंग्वेज सीख के आ रही है, और भाई साहब यार मेरे से तू तड़क बात कर रही है। अरे करू ना का। अरे भाई इसमें आत्मा तो ना घुस गई? अरे अरे ना यार आत्मा ना घुसी यार फ्रैंकलिन, बस यार बात ऐसी है कि यार जी खट्टा होगा यार तेरी वजह से। तू यार ऐसा भूत भूत की जगह पे ले जाया ना करे यार, दिमाग मत चाटा करे। अरे भाई ये कहाँ से देहात की लैंग्वेज सीख आई भाई? अरे भाई इसको कौन बताता है गाइस, मैं दो दिन बीमार होकर के भाई तबीयत क्या खराब हो गई, और ये भाई सब देहात की लैंग्वेज सीख के आ गई। अरे अरे यार नहीं तो क्या यार, बताओ कैसे कैसे बात कर रही है, ऊपर से तू तड़ाक बोल रही है। मानते हैं फ्रैंकलिन इज्जत के लायक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हमारी कुछ भी इज्जत नहीं देगी। और क्या सुनचा, अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ नहीं। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला ही है, देख रहा है अब टाइम शुरू हो रहा है भाई। ओ भाई साहब कितना खतरनाक माहौल हो रहा है। कोई है क्या इधर, कोई है क्या? आगे मत जाओ। अरे वो काली घाटी का रास्ता यही है ना? अरे मैं मना कर रहा हूँ आगे मत जाओ, तुम काली घाटी के रास्ते के बारे में पूछ रहे हो। अरे अरे फ्रैंकलिन मत पूछना। अरे बताओगे नहीं बताओगे? अरे हम भी अपने घर में छुपके बैठे, तुम भी छुपके जाओ। वैसे आ गई है रास्ता। ओए बताया कि तुम लोगों ने इसे? अरे अरे सर हमसे पूछा जाए तो इसलिए। अरे यार, अरे भाई अब पता चल गया अब तो। अरे फ्रैंकलिन मत ले जाए, खुद तो मरेगा मैं ही मरवाएगा। गाइस देख रहे हो ना अचानक से थोड़ा सा मौसम बदला। अरे यार तुम लोग डरते कितना हो। अरे यार डर लगेगा तभी तो डरेंगे यार, तुम्हारी तरह थोड़ी है हम यार निडर। हमारी तो बिल्कुल फटके चार हो रही है। अब भाई मैं क्या करूं भाई शिनचैन? अरे यार फ्रैंकलिन भैया अपने डिपर बंद करो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई गाड़ी में मैं कर रहा हूँ खुद ही। अरे फ्रैंकलिन भैया सुनसान सी सड़क वैसी ही है। अब काली घाटी में जल्दी पहुँचना है, जैसे जल्दी पहुँचेगा वहाँ पर देखते हैं भाई क्या माजरा है, क्या हवा बना रखा है। फिर यार वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे यार वो थोड़ी आप थोड़ी करोगे, ऑडियंस करेगी। और क्या, ओके सो गाइस वो रही काली घाटी। अरे काली घाटी पे कैसे जाओगे? रुक जा भाई रुक जा। गाइस काली घाटी हमें दिख चुकी है, अब काली घाटी पे चलना है, जो कि यार बड़ी खतरनाक काली घाटी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार शिनचैन ऑफ रोडिंग गाड़ी इसलिए ही लेके आया हूँ मैं काली घाटी पे चढ़ने के लिए। अरे फ्रैंकलिन तू ऐसे मत कर यार, मत कर। अरे फ्रैंकलिन तेरे से कितनी बार बोला है, गाँव के रास्ते में भूत बड़े खतरनाक होते हैं फ्रैंकलिन, तेरे को तू जो तांत्रिक वांत्रिक से भी नहीं बचेगा तू, मैं बता दे रहा हूँ। और अरे यार ये क्यों थोड़ी ना, सब कोई भी नहीं बचेगा। हाँ बात तो सही है, कोई नहीं बचेगा लेकिन फिर भी। अरे यार खुद कह रहा है और खुद ही साला लेकर के आ रहा है हम लोगों को। गाइस ये फ्रैंकलिन मरवाएगा, इसकी साले की तबीयत खराब थी, लेकिन अब यार हमें मरवाने वाला बिल्कुल ही गंदी तरीके से। गाइस आप लोग इसको समझाओ। अरे फ्रैंकलिन भाई की बेटा जो करोगे वो भी सही हूँ मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, आप मुझे बचा लोगे। अरे भाई तुम सबको बचाऊंगा। अरे ब्रूनो तू चमचा मत बन इसके, बिल्कुल ही अंधा मत बन, ये पागल हो रखा है फ्रैंकलिन, तू भी पागल बन ब्रूनो। अरे अरे फ्रैंकलिन कहाँ ले आया ये? काली घाटी के पास ला रहा हूँ। और भाई जल्दी से गाइस लॉस सेंटोस में कैसे अंधेरा होते जा रहा है, फ्रैंकलिन सूरज दादा ढल रहे हैं। अरे चंदा मामा निकल जाएंगे फ्रैंकलिन भैया, और चंदा मामा की रोशनी बहुत कम है, और उसके बाद जो हमारे साथ होगा बहुत गलत होगा फ्रैंकलिन भैया। लॉस सेंटोस की सारी सड़कें खाली हो गई हैं, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आजकल घर से बाहर ना निकलें फ्रैंकलिन भैया, पटरी पर ट्रेन भी नहीं चल रही और आप ही ऐसी हरकतें कर रहे हो। जब चुप बैठो यार, तुम लोग डरते हैं बहुत और डर पाओ। अरे फ्रैंकलिन डरने की बात है तभी तो डर रहे हैं, तेरी तरह थोड़ी ना निडर बन जाएंगे। गाइस इसको समझाओ
यार। अरे भाई अभी बस एक बार अंधेरा हो जाए और वो मेरे को एक बार आत्मा दिख जाए फिर चलते हैं। अरे उसने पीछे लपक लिया है ना, तेरे को पता नहीं है वो पीछे भी पड़ जाती है। हैं पीछे पड़ जाती है? और क्या बोला ना मैंने, पीछे पड़ जाती है वो। गाइस ये काली घाटी, वो रही काली घाटी, और ये काली घाटी की तरफ ही आ गया बिल्कुल ही बेवड़ा कहीं का फ्रैंकलिन। तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे हरकतें ही ऐसे हैं भाई, मैं क्या बोलूँ तेरे को। अरे कुछ भी मत बोलो। ओके सो गाइस वो रही काली घाटी, दिख रही होगी आपको, उस साइड ही है, उस साइड ही वो भूतनी आती है। आप देखते हैं वो भूतनी कैसे आती है कैसे नहीं आती। ओए अंधेरा, अंधेरा आ रहा भाई खतरनाक तरीके से गाइस। अबे भाई अचानक से अंधेरा के साथ साथ भाई ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन तू काली घाटी पे खड़ा हुआ है, पागलपंती मत करे। ओ चंदा मामा भाई चांद भी दिखने लग गए अब खतरनाक तरीके से। ओ भाई ये तो बहुत डरावना मंजर हो रहा है गाइस, देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा ही डरावना मंजर हो रहा है। मैं तो बाहर ना निकलूंगी। मत निकल मत निकल। चलो भाई अब चलते हैं काली घाटी की तरफ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ऐसी मत करो यार, अबे अब अंधेरा हो गया, अब तो वो आई गई होगी चुड़ैल, अब भी नहीं आई होगी तो कैसे भाई, हमने रेड लाइट है गाड़ी में। अरे रेड लाइट है फ्रैंकलिन भैया, अगर उसने पावर से पंचर वंचर कर दिया ना और पीछे लपक ली घर तक तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चुप बैठ यार। ओके सो गाइस हम पहुँचते हैं जल्दी से काली घाटी की तरफ और अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन भैया दूर से ही देख लो कौन है कौन नहीं है, ऐसे मत करो यार। हाँ भाई मैं दूर से ही देख लेता हूँ, मैं पास जा रहा हूँ भाई, सब डरेंगे मैं भी खुद डर रहा हूँ, इतनी बात तो मानने की है। ओके तो गाइस देखते हैं वहाँ पे कोई खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये कौन है भाई, ये कौन? गाइस वहाँ पे तो मैंने कोई देखा और वहाँ से कोई मेरे पास चल के आ रहा है। फ्रैंकलिन भैया गाइस मुझे भाग करके जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ भाई के जाएगा मेरे से दूर, मर जाएगा तू कुत्ते की मौत साले। भाई ये क्या बोल रही है? अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो बड़ी खतर, अबे भाई ये कहाँ से आ गई? अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो हमारे स्कूल में एक लड़की ने सुसाइड किया था, ये तो वो है, हैं उसकी आत्मा शिक्षण इधर है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी फ्रैंकलिन भैया। शिनचैन मैं भाग के आ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन तेरे से पहले ही बोला था हमने ये लपक लेगी पीछे। माइकल भाई आपके माइकल भाई आप सब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना डर बहुत जल्दी जाते हो। अरे अरे फ्रैंकलिन डरने की बात है तभी तो डरेंगे, देखो कहाँ आएगी अब वो पीछे, आप देखना मैं एमजी का क्या पावर दिखाता हूँ। फ्रैंकलिन पर वो भूत वाली पावर दिखा लेगी ना तो हो गया। फ्रैंकलिन भैया आ गई, बच के कहाँ जाएगा फ्रैंकलिन भैया, वो तो चल भी नहीं रही है, वो देखो कैसे तरीके से आ रही है। मेरे से बच के जाना चाह रहे हो? अरे भाई ये क्या है? अरे फ्रैंकलिन भैया देखो वो किस तरीके से आ रही है, कूद कूद के उछल उछल के क्रिश बन गई है फ्रैंकलिन भैया वो तो, और आपको देखो। पीछा तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, टूट जाऊंगी। अरे टूटी क्या, मरी हुई तो मैं पहले से ही हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने तो मरवाई थी भाई बहुत गंदी तरीके से। अरे ये क्या ऐसी तैसी हो जाएगी फ्रैंकलिन भैया। अबे रुक जाओ भाई रुक जाओ, एक बार सड़क पे हम लोग आ गए ना फिर वो पीछा करना छोड़ जाएगी। फ्रैंकलिन भैया अभी उसकी ताकत है, फ्रैंकलिन भैया उसकी ताकत के टाइम पे कोई भी नहीं चलने वाला, आपको पता है ना। देख कहीं नहीं आ रही यार फ्रैंकलिन भैया, पीछे देखो क्या ये रही पीछे। अरे फ्रैंकलिन भैया गड़बड़ हो रही है, वो पीछे ही आ रही है, पर वो दौड़ किस तरीके से रही है, उल्टा दौड़ के आ रही है। अरे गाइस ये तो उल्टा दौड़ के आ रही है, मैं यार ये किस प्रकार के लिए दौड़ रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो 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 उल्टा दौड़ के आ गई। फ्रैंकलिन भैया एक तो उसकी हंसी, भगाओ 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 शिनचैन मैं गाड़ी भगाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया आप कितनी भी तेज भगाओ, फ्रैंकलिन तू कितनी भी तेज भगा वो नहीं छोड़ने वाले पीछे, देख ले चंदा मामा पूरे और भाई सब इन भूतों की तो पावर आती है इस टाइम पे। माइकल भाई आपको पता भी है अभी मैं 700 की स्पीड पे हूँ, अभी मेरे को कोई भी नहीं छू सकता, और जैस को होती तो क्या ही होता हाल। फ्रैंकलिन भैया इधर देखो ना ज़्यादा क्या हो गया। फ्रैंकलिन भैया वो आएगी ज़रूर आएगी भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही अब तो। अब तो गाइस हम लोग इतनी तरीके से पीछे छोड़ गया कि अब तो वो बिल्कुल नहीं आने वाली हमारे पास। गाइस आपको दिख रहा है क्या? कोई भी नहीं दिख रहा अब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती शिनचैन। फ्रैंकलिन भैया अगर वो आ गई तो भाई शिनचैन अब नहीं है गाइस, अब तो हम छुटकारा है भाई, नहीं है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर वो आ गई तो गाइस गड़बड़ हो जाएगी। फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? वो अगर उसने देख लिया ना फ्रैंकलिन भैया फिर पीछे पड़ जाएगी, पड़ेगी अगर वो पढ़ना होगा तो भाई वैसे ही पीछे पड़ जाएगी, वैसे यार वो पड़ेगी नहीं वैसे वो अब मेरे पीछे। अरे फ्रैंकलिन भैया वो बहुत गंदी तरीके से लपकेगी, वो हमारे स्कूल में एक लड़की ने कभी सुसाइड कर लिया था भाई, उसकी आत्मा है वो। अच्छा भाई भाई चलो भाई ठीक है भाई, हम अपने ये साथ में से बच करके हम निकल करके भागते हैं भाई, क्योंकि हमसे तो ना झेल पाएंगे भाई, हम तो ना झेल ले। ओके तो गाइस बैठते हैं जल्दी से, कोई भी नहीं आ रहा है, अब निकलते हैं गाइस जल्दी से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
सो फाइनली गाइस अब निकलते हैं अपने घर की तरफ तसल्ली से, है ना। अरे हाँ तसल्ली से चलते हैं फ्रैंकली भैया, चलो ओके। सो गाइस अब यार अपनी गाड़ी को अपना स्पीड पकड़ते हैं और निकलते हैं। भाई स्पीड तो अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस मैं अपनी 300 की स्पीड में चढ़ा रहा हूँ और पीछे अब तो वो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो डरने की कोई बात वैसे भी नहीं आती है। लेकिन अगर वो फ्रैंकली भैया क्या फ्रैंकली भैया ये देखो, अब एक सेकेंड कहाँ को निकलोगे फ्रैंकली भैया, ये तो आ गई चुड़ैल कहीं की। भाई यार ये किस तरीके से आ रही है गाइस निकल के तो देखो मैं तुम्हारे पास ही। भाई शिचर वो कदम चल रही है और हम लोग 200 की स्पीड में चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं पड़ रहा। फ्रैंकलिन ये क्या सिस्टम है, ये भूत की ताकत है भाई, ये भूत की ताकत है। अरे माइकल भाई इतनी खतरनाक थोड़ी होती है भाई, इतनी डरावनी भूतनी की ताकत, अरे भाई गजब है भाई। ओके सो गाइस ये भूतनी तो हमें मार के छोड़ेगी लग रहा है। फ्रैंकली भैया कैसे भी करके घर की तरफ निकल लो, ये भूतनी पीछा नहीं छोड़ेगी नहीं तो। हाँ भाई जल्दी से, हमने यार इससे ना गलत पंगा ले लिया गाइस। ओके सो गाइस जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस भूतनी का खात्मा करना है तो यार उसके लिए बता दो यार हम लोग कहीं नेक्स्ट। अगर आपको चाहिए नेक्स्ट पार्ट तो गाइस हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में यार 1000 अगर नेक्स्ट पार्ट अगर 1000 मतलब लिख दो ना आप तो 1000 कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट के, तो गाइस फिर हम यार जल्दी से यार एक और वीडियो लेकर के आएंगे और इस भूतनी का खात्मा करने की सोचते हैं ये किस प्रकार से हम इस भूतनी का खात्मा कर सकते हैं। तो गाइस चलो यार इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अरे अभी घर तो पहुँच जाओ पहले, डर रहे हैं हम, ऑडियंस रहती है साथ तो ठीक रहता है भाई। हाँ फ्रैंकलिन माइकल मैम मैं ये कह रहा हूँ आज आपके घर रुक जाएँ। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ भाई, चलो भाई अपने घर ही चलते हैं। हाँ भाई ओके। सो गाइस यार ना माइकल भाई का घर थोड़ा पास पड़ता है, या तो अपने पुराने वाले घर चलते हैं। अबे नहीं यार वो भी थोड़ा भूतिया टाइप से लगता है, आज ऐसा कर यार मेरे घर चलना यार क्या दिक्कत है। हाँ भाई माइकल भाई के घर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आज गाइस हम माइकल भाई के घर में ही रुकने वाले हैं और अपना सोएंगे अपना उधर ही। अरे यार ये क्या कर रहे हो, शॉर्टकट लेने देना शिनचैन। अरे यार इतना कैसे भयानक शॉर्टकट फ्रैंकली भैया, ले भाई मैं तो ऐसे ही लेता हूँ। फ्लाइंग मोड भी ऑन किया नहीं, अबे है ही नहीं जी वैगन में, और आप ऐसे चला रहे हो और क्या भाई और क्या, रिपेयर कर देगा ये अपना पिंचन। और भाई सब हमारा आ गया, बर्गर शॉट ले लो भाई, यहाँ पे पब्लिक होगी तब लूँगा मैं बर्गर शॉट। अरे फ्रैंकली भैया पब्लिक है भाई, पब्लिक है। अरे सर कैसे हो, बस बढ़िया। अरे अरे ओके सो गाइस पब्लिक इधर है तो बर्गर शॉट बर्गर ले लेते हैं फिर चलते हैं शिचर। हाँ फ्रैंकली भैया। सो गाइस हमने यार यहाँ से बर्गर वर्गर ले लिया है क्योंकि यार यहाँ पे भूत भूत का डर नहीं है, क्योंकि ये शहर का टाइम आ गया है तो यहाँ पे डर नहीं है। तो गाइस शिनचैन हम चलते हैं अपना बस माइकल भाई के, और गाइस की तरह ज़्यादा खतरनाक हिसाब किताब हो गया था, अब थोड़ा सा उजाला भी होने वाला है गाइस देख रहे हो। और भाई पूरी रात हमारी ख़राब चली गई, आप लोगों को तो हमने कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा दिखाया है, लेकिन गाइस आपको क्या पता हमारी तो पूरी रात ही भ्रष्ट हो गई थी इस चुड़ैल के चक्कर में। इस चुड़ैल ने जो ऐसी तैसी करी गाइस, और उसका कोई मुकाबला ही नहीं भाई साहब। एक तो मेरी तबीयत ख़राब होकर के आई, और भाई इस चुड़ैल ने जो काम किया ना गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अरे वो तूने वो चुड़ैल लेने क्या तूने क्या खतरनाक यार फ्रैंकलिन, तेरे को यार उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, मतलब तेरे को जाना नहीं चाहिए था। अरे यार वो तो देखने भी तो चलना था ना, वो सूरज देवता की किरणें। ओहो सूरज देवता की किरणें, मैं अपनी हेडलाइट बंद कर लेता हूं गाइस, हेडलाइट से ना थोड़ा सा पड़ेगा नॉर्मल सा, तो हेडलाइट चलो बंद कर दो। ओ भाई सूरज देवता की किरणें देखो गाइस किस तरीके से आ रही है सूरज दादा। ओके सो गाइस देख सकते हो, अबे भाई लाइट हटो यार, लाइट बंद करो। ओके सो गाइस चलो यार फाइनली हम पहुंच गए माइकल भाई के घर। अरे अब तो उजाला हो गया, अब घर क्या पहुंच रहा है यहाँ पे नहीं, अब तब अपने घर चलते हैं। अरे यार अलग ही ड्रामा, माइकल भाई आलू के पराठे खा लेते हैं ना भाभी के हाथ के, चल फिर ठीक है राजमा भी बनाए होंगे वैसे उसने। हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है राजमा भी खा लेते हैं भाई साहब, बहुत पानी में प्यास भी लग रही है भाई। हाँ जिधर ही खाना खाते हैं यार, और क्या भाई और क्या, फ्रैंकली भाई ने तो वैसे दिमाग खराब कर दिया भाई, बकवास कम कर यार हमारी। तो गाइस चलो यार इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो गाइस मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे चप भाई आज हम मरवाओगे यार, बाबा सब ब्रूनो पहले तो तूने ही कही है कि भाई मेरे को लेकर के चलो, तो भाई लेकर चल लो ना घुमाने के लिए। अरे अरे हाँ बात तो सही है, लेकिन हम अभी घर की तरफ से निकले भाई यार, किसी ने स्कैन तो नहीं कर लिया हमें। ब्रूनो यार तू डरपोक बहुत है, आज हम जा रहे हैं ना इंजॉयमेंट करने के लिए, खाएंगे भाई साहब हमें नॉन वेज, ये लोग खाएं देते हैं नॉन वेज, छूसेंगे पार्टी करेंगे गाड़ी चला रहे हैं और भाई साहब मज़ा तो आएगा। अरे अरे चप्पो भाई वो तो सही बात है, पर फिर भी बाबा सब चुप बैठ रहा है यार तू ब्रूनो, यार तू यार चोचले बाजी मत करा कर। अरे फ्रैंकली भैया डांटेंगे ना भाई साहब, डांटन दे यार, लेकिन बाद में वो थोड़ा कूल हो जाएगा, लेकिन डांटता भी तो कितना 5 मिनट है। अरे यार सही बात है यार, इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा जाते हैं भाई। तो भाई साहब आप जल्दी से चलते हैं भाई साहब गाड़ी को चलाने के लिए, आ भाई साहब चलते रे